हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमंदर, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव टेक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल के बारे में। ये फीचर क्या होते हैं, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि ये जो फीचर्स है आजकल सब गाड़ियों में कॉमन हो गए हैं, आजकल सब गाड़ियों में ये फीचर्स आने लग गए हैं। तो ये क्या होते हैं ये फीचर्स तीनों, इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूलिए। और दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना। तो दोस्तों यहाँ पे हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल होल्ड असिस्ट, ये दोनों ही फीचर लगभग सेम काम करते हैं, लेकिन ये दोनों फीचर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इनका काम सेम ही है, लेकिन दोनों का काम जो करने का ढंग है वो अलग अलग है। जैसे कि कुछ कुछ कंपनियां हैं वो हिल स्टार्ट असिस्ट को ही हिल होल्ड असिस्ट बोलती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, इन दोनों में फ़र्क आता है, इसके लिए आप कंफ्यूज इसमें ना हो। और हिल डिसेंट कंट्रोल एक अलग बात है। तो दोस्तों हम लोग पहले बात करेंगे हिल स्टार्ट असिस्ट की। जैसे कि आप समझिए अभी कि आप जा रहे हो, आप एक हिल पे हो यानी आप चढ़ाई पे हो, आपको ट्रैफिक है, गाड़ी आपकी रुक रही है, वापस चल रही है, रुक रही है, वापस चल रही है। तो उसमें कभी कभी मैनुअल कार्स में आपकी गाड़ी पिकअप लेते वक्त पीछे चली जाती है, तो इसको रोकने के लिए हिल स्टार्ट असिस्ट ये फीचर आपको कार में दिया जाता है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जो आप क्लच छोड़ते हो उस टाइम में आपकी गाड़ी थोड़ी देर होल्ड करना और उसको पीछे जाने से रोकना। दोस्तों जैसे ही आप ब्रेक पर से पैर हटाते हो, वैसे ही सेंसर्स कार के डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने ब्रेक पर से पैर हटाया है, तो कार अपने आप खुद ब खुद 3 सेकेंड के लिए ब्रेक अप्लाई करके रख देती है, ताकि आपकी कार जो है वो पीछे ना जा सके। उसके बाद आप क्लच छोड़ सकते हो और अपना एक्सीलरेट करके आप आगे जा सकते हो। इस वजह से 3 सेकेंड के ऑटोमेटिक ब्रेक की वजह से आप पीछे आने से बच जाते हो हिल स्टार्ट असिस्ट के कारण। तो दोस्तों ये फीचर है हिल स्टार्ट असिस्ट, इसे बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हिल होल्ड असिस्ट क्या होता है। दोस्तों बहुत से मैंने वीडियोस देखे हैं वो हिल होल्ड असिस्ट और हिल स्टार्ट असिस्ट को एक ही समझते हैं, और कंपनियां भी हिल स्टार्ट असिस्ट फीचर होता है उसमें, लेकिन वो हिल होल्ड असिस्ट के नाम से प्रमोट करती है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि हिल होल्ड असिस्ट किस तरीके से अलग है आपके हिल स्टार्ट असिस्ट से। तो हम दोस्तों वही सिनेरियो लेते हैं, आप चढ़ाई पे हो, ट्रैफिक लगा हुआ है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, अभी कार आपकी रुक गई है, अभी आपको आगे जाना है, तो आप ब्रेक का पैडल छोड़ देते हो और एक्सीलरेटर का पैडल दबाने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे हिल स्टार्ट असिस्ट में क्या होता था, हिल स्टार्ट असिस्ट में ये होता था कि आपका जो ब्रेक है वो 3 सेकेंड के लिए अप्लाई होगा था, लेकिन यहाँ पर हिल होल्ड असिस्ट में ये होता है कि जैसे ही आप ब्रेक छोड़ते हो, जब तक आप एक्सीलरेट नहीं करते हो तब तक आपकी कार का जो ब्रेक है वो अप्लाई हुआ ही रहेगा। मतलब आपका जो 3 सेकंड का जो टाइम पीरियड था हिल स्टार्ट असिस्ट में, वो हिल होल्ड असिस्ट में नहीं होता है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे हैंडब्रेक के जैसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी गाड़ी पार्किंग मोड पे चली जाती है या फिर आप हैंडब्रेक खींच लेते हो गाड़ी का, जैसे आप गाड़ी न्यूट्रल में डाल देते हो, तो ये जो मोड है आपका काम नहीं करेगा, ना ही हिल स्टार्ट असिस्ट में ना ही हिल होल्ड असिस्ट में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और आपका जो दरवाज़ा है वो कौन सा भी खुला नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको 4 दरवाजे बंद होने चाहिए। अगर एक भी दरवाज़ा आपका खुला होता है या फिर डिक्की खुली होती है, तो ये आपका जो फीचर है ये 2 फीचर आपके काम नहीं करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो फीचर है, अगर आपने आप हिल पे जा रहे हो, चढ़ाई चढ़ रहे हो, आप रुके हो, अगर आपने बाय चांस गलती से नहीं तो ऐसे रिवर्स गियर डाल दिया है, फिर भी ये फीचर आपका काम करता है हिल होल्ड असिस्ट और हिल स्टार्ट असिस्ट। दोस्तों ये हिल होल्ड असिस्ट या फिर हिल स्टार्ट असिस्ट है वो सर्टन डिग्री के ऊपर आपकी कार हो तो ही काम करता है, यानी 10 से 15 डिग्री तक आपका मिनिमम होना चाहिए तभी काम करेगा। ये कंपनी के ऊपर डिफर करता है कि उनका एंगल वगैरह उन्होंने क्या सेट किया है। अगर दोस्तों आप नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो उसे एक बार पूछ के ले लीजिए कि ये हिल स्टार्ट असिस्ट है या फिर ये हिल होल्ड असिस्ट है। बात करते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल की। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो हिल होल्ड असिस्ट को ही हिल डिसेंट कंट्रोल बोल देते हैं। कंपनियां नहीं बोलती है, लेकिन यहाँ पे लोग बोल देते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं बहुत। तो बेसिकली दोस्तों हिल डिसेंट कंट्रोल का एक बटन होता है, हर गाड़ी में एक हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन होता है, आप उसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप जब चढ़ाई उतर रहे हो तब, अगर समझे आप चढ़ाई उतर रहे हो जिसमें हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे जाती है जब तक आप ब्रेक अप्लाई उसे कर नहीं रखते,
तो गाड़ी का स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। तो हिल डिसेंट कंट्रोल क्या करता है कि कार का जो स्पीड है वो लिमिट में रखता है, उस लिमिट से ज़्यादा गाड़ी का स्पीड बढ़ने नहीं देता है। इसके लिए आपके एक्सीडेंट के चांसेस वगैरह भी कम हो जाते हैं, गाड़ी का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए हिल डिसेंट कंट्रोल ऐसे काम करता है। और ये जो हिल होल्ड असिस्ट और हिल स्टार्ट असिस्ट मैंने आपको बताया, ये ऑटोमेटिक कार्स में भी होता है कुछ कुछ, यानी अभी टाटा नेक्सॉन के AMT में आप लोगे तो ये फीचर उसमें दिया गया है। और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो आपको उसका एक पर्टिकुलर बटन मिलता है आपको, अगर वो बटन आप ऑन करोगे ही तो ही आपका जो हिल डिसेंट कंट्रोल है वो एक्टिवेट होगा। आपके स्पीडोमीटर के यहाँ सिंबल शो करेगा हिल, आपका हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिव हो गया है। आपका जो कुछ कुछ केसेस में है वो हिल होल्ड असिस्ट और हिल स्टार्ट असिस्ट में भी आपका जो बटन नहीं तो इंडिकेटर फ्लैश करता है, लेकिन हमारे इंडिया में शायद से ऐसी कम ही गाड़ियाँ होगी लो बजट सेगमेंट में कि उसका जो आपका हिल डिसेंट या फिर होल्ड असिस्ट का बटन या फिर उसका जो लाइट है वो डैशबोर्ड पे होगा। सो होप्स आपको समझ में आ गया होगा, आपकी कन्फ्यूजन वगैरह दूर हुई होगी कि हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल क्या होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल के बाकी के वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।